अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप तमाम स्टूडेंट्स ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और इस सेशन को जो हम वीडियो लेक्चर्स की शुरू में आपको तमाम टीचर्स आपके इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है, डेफिनेटली आप उसको इफेक्टिवली रीड भी कर रहे होंगे, स्टडी भी कर रहे होंगे और अंडरस्टैंड भी कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो आज उसी सिलसिले का हमारा एक और वीडियो लेक्चर है जो कि आपको मैं डिलीवर कर रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक है कंपैरेटिवली थोड़ा सा इज अ बिट इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ टॉपिक, और इस सिचुएशन के हवाले से बड़ा एक रेलिवेंट से टॉपिक बन गया है अभी, वो कि हमने क्लास में इसके ऊपर डिस्कशन की थी। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा कि जी आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जो आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का हिस्सा बनने वाला है, वो उसका नाम है ई कॉमर्स, ठीक है जी। तो आज के इस सेशन के अंदर जो हम ई कॉमर्स के हवाले से बात करेंगे, इसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली मैंने काफ़ी हद तक की है, ठीक है जी। हाँ, थोड़ी सी काफ़ी हद तक की है। थोड़ी सी काफ़ी हद तक का मकसद क्या है कि यह से बात है, ई कॉमर्स की बेसिक डेफिनेशन तो नहीं चेंज हुई, लेकिन हाँ, इस ई कॉमर्स के हवाले से जो स्टैटिस्टिकली जो चेंज आया है हमारे पास, जो एक ऑल ऑफ अ सडन जो चेंजेस हमारे पास आए हैं, उन चीज़ों को मैंने ज़रा इसके अंदर हाईलाइट किया है। चंद कुछ फिगर्स, कुछ स्टैटिस्टिकल वैल्यूज़ को मैंने इसके अंदर शामिल किया है, जो कि डेफिनेटली आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव मटेरियल या फिर एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लेवल पे आपको हेल्प आउट कर रहे हैं, ठीक है जी। चलिए, ये तो थी चंद छोटी सी एक बात। और अब आते हैं जनाब, हम अपने इस सिलसिले का या इस लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं और स्टार्ट करते हैं जनाब। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो आपको दो वर्ड्स, जैसे कि हमने पढ़ा था, सीखा था, या आपको एक इंट्रो के अंदर मैंने ब्रीफ किया था, व्हाइल व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट दिस पर्टिकुलर कोर्स व्हिच इज द पार्ट ऑफ योर सेमेस्टर। तो ई कॉमर्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें जो है वो बड़ी वाजे तौर पर नजर आ रही है, एक ई लिखा हुआ है और दूसरा लिखा हुआ है आपके पास कॉमर्स, ठीक है जी। तो ई मीन्स व्हाट द इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा, व्हेनेवर यू फाइंड द टर्म और अ कैरेक्टर और एन अल्फाबेट ई, इट स्ट्रेट अवे मीन्स इन ई कॉमर्स कि ये हम ई जब भी कहीं कहीं हम एक्सपीरियंस करें, कहीं भी, एंड थ्रू आउट योर कोर्स, थ्रू आउट योर बुक, कहीं भी जब आपको वर्ड ई नज़र आए तो स्ट्रेट अवे आप समझ जाइए कि हम एक इलेक्ट्रॉनिक, ई से मतलब हमने इलेक्ट्रॉनिक लेना है, हम इलेक्ट्रॉनिकली किसी भी चीज़ को हैंडल करने की, टैकल करने की, प्रोसेस करने की हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। क्योंकि यू आर एक्चुअली अ बिजनेस स्टूडेंट, तो पर्टिकुलरली जो है वो यहाँ पे हम उस लेवल पे नहीं जा रहे कि जनाब वो किस तरीके से क्या हो रहा है, किस तरीके से कनेक्टिविटीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिकली क्या चीज़ हो रही है, लेकिन आप यहाँ ये ई कॉमर्स के अंदर और आपके कोर्स के अंदर या फिर एक बिजनेस सिनेरियो के अंदर जो ये ई है, इस ई टर्म का मतलब या इस ई अल्फाबेट का मतलब इज़ इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है जी। कि अब हम बात करते हैं, ई को हमने डिस्कस कर लिया, अब हम बात करते हैं कॉमर्स की। तो ई के बाद जो दूसरा वर्ड आपको डैश के बाद नजर आ रहा है, दैट इज द कॉमर्स। कॉमर्स से क्या मुराद है हमारे पास? कॉमर्स मींस द ट्रांजैक्शन। बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ, यकीनन आप इसको बड़ा डिटेल के अंदर अपने कोर्स के अंदर स्टडी भी कर रहे हैं और इसको आप देखेंगे भी, एंड यू आर एक्चुअली अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स। तो यहाँ पे हम बिल्कुल एक आसान से अल्फाज हैं, हम उस डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि हमने तो ई और कॉमर्स, ई कॉमर्स को स्टडी करना है। तो कॉमर्स को एक आसान अल्फाज में अगर डिफाइन करने की बात की जाए तो कॉमर्स से मुराद हमारे पास क्या है कि सर्टेन काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस या फिर ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज जो के आप लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं या डेली बेसिस के ऊपर परफॉर्म की जा रही होती हैं, दे आर एक्चुअली स्टडीड इन कॉमर्स, ठीक है जी। उसको पढ़ते हैं, किस तरह से की जाती हैं, उसको सिखाया जाता है, किस तरीके से उसको रिकॉर्ड किया जाता है, किस तरीके से उसको मेंटेन किया जा सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके कॉमर्स का हिस्सा होती हैं जनाब। अब इन जब दोनों लफ्ज़ों को, जिसको ई और कॉमर्स कहा जा रहा था, ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक नई चीज़ सामने आती है या आई, एक नई फील्ड डिवेलप हुई जिसको हमने ई कॉमर्स का नाम दिया। तो बात बड़ी, अगर आज के हवाले से देखें, आज के इस पर्टिकुलर सिनेरियो के हवाले से देखें, तो ई कॉमर्स स्टूडेंट्स इस वक्त, जैसे कि मैंने इनिशियल इंट्रो वाला जो हमारा लेक्चर था फर्स्ट, उसके अंदर बताया था कि जनाब इस वक्त जो चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा अप्लाइड
और सबसे ज्यादा नजर आ रही है इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो सबसे अहम रोल प्ले करती हुई जो चीज नजर आ रही है ये वो चीज है जो आप कोर्स राइट नाउ पढ़ रहे हैं। यानी इस कोर्स की इम्पोर्टेंस इस हद तक बढ़ गई है कि जनाब इसके अंदर वो तमाम चीजें बेसिक्स लेवल के ऊपर आपको अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत जरूरी हो गया। ठीक है जी, आज से पहले हम पढ़ाते थे इसको तो इसको एज ए कोर्स पढ़ाया जा रहा होता था। यकीनन इंटरेस्ट स्टूडेंट्स का हमेशा रहा है इस कोर्स के अंदर सीखने के लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे लेकिन अगर आज हम उसको देखें तो ना सिर्फ सीखना बल्कि अगर आप इसको आज अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, इस ई कॉमर्स से रिलेटेड एक्टिविटी को आप जहाँ नजर दौड़ाएंगे वहाँ आपको ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज होती हुई नजर आएंगी। बहुत सी चीजें जो इससे पहले एक पैसिव मोड के अंदर हो जाया करती थी वो अब ऑनलाइन की तरफ आहिस्ता 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 शिफ्ट होना शुरू हो गई। जी हाँ, मैंने वर्ड कहा ऑनलाइन। तो जब हम ई कॉमर्स के हवाले से बात करते हैं तो एक बड़ी सिंपल सी टर्म हमारे सामने नजर आ जाती है कि जनाब हम इलेक्ट्रॉनिकली, जो मैंने भी इनिशियली अपने स्टार्ट के लेक्चर में ई को थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश की, तो ई मीन्स द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। और वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन किस तरीके से होंगी? यकीनन हम किसी ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को, नेटवर्क्स को, इंटरनेट को, जी नेटवर्क्स को कहा और मैंने इंटरनेट को कहा। तो मैंने ये नेटवर्क और इंटरनेट की बात कर रहा हूं तो मेक इट क्लियर इन योर माइंड बच्चों के नेटवर्क एंड इंटरनेट आर टू डिफरेंट थिंग्स। डोंट गेट योर सेल्फ कंफ्यूज विद द टर्म इंटरनेट एंड द नेटवर्क। ठीक है, ये आगे हमारा टॉपिक है, मैं वहां इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू मेक यू एक्सप्लेन कि जनाब इंटरनेट और ई कॉमर्स जो है, सॉरी इंटरनेट और नेटवर्क जो है वो दो सेपरेट चीजें हैं। ठीक है जी, वो कैसे सेपरेट हैं, किस तरीके से हैं, वो आने वाले सेशंस में मैं आपको अपकमिंग सेशंस के अंदर जब मैं नेटवर्क पढ़ाऊंगा तो उसमें नेटवर्क को भी डिफाइन करूंगा और इंटरनेट की भी डेफिनेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है जी, तो कमिंग बैक कि जनाब हम ई कॉमर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हम उस ई कॉमर्स के अंदर उस ऑनलाइन एक्टिविटी की, उस इंटरनेट की और उस नेटवर्क के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आज अगर हम देखें ई कॉमर्स को तो ई कॉमर्स ने क्या किया है, दुनिया को रेवोल्यूशनलाइज कर दिया है। आज वो बिजनेस मॉडल्स जो के पहले आपके पास एक कन्वेंशनल मॉडल की शक्ल के अंदर पाए जाते थे, ठीक है जी, वो आज अपने आप को इस ई कॉमर्स के मॉडल की तरफ लेके आने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत से लोग शिफ्ट भी हो गए हैं, बहुत से लोग इस ई कॉमर्स के मॉडल की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये तो था कुछ एक थोड़ा सा आपके जहनों में इसका एक ग्राउंड बनाने के हवाले से जी ई कॉमर्स को क्या है, किस तरीके से है। तो कमिंग टू द डेफिनेशन जो कि आपको स्क्रीन पे ऊपर नजर आ रही होगी, फिर हम अपनी डिस्कशन को मजीद आगे फर्दर लेके चलते हैं। तो अगर आप देखें तो ई कॉमर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो इट इज, ई कॉमर्स इज अ पॉपुलर टर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इवन इंटरनेट कॉमर्स। ठीक है जनाब, तो ये बात क्लियर हो गई। जो भी मैंने इंटरनेट और नेटवर्क की बात की थी तो यहाँ पे हम इंटरनेट इज एक्चुअली अ मेजर थिंग विच प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द फॉर्मेशन इन द स्ट्रक्चरिंग ऑफ ई कॉमर्स। तो इंटरनेट का बुनियादी तौर पे पाया जाना जो है वो बहुत अहम है, बहुत लाजिम और मलजूम है इन दी ई कॉमर्स। ठीक है, और बैकएंड के ऊपर आपका नेटवर्क होना भी बहुत ज़रूरी है हमारे पास। तो ये दोनों चीज़ें जो है साथ साथ चल रही होती हैं और हम एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के या ई कॉमर्स के फ्रेमवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है जी, तो ये तो बात थी थोड़ी सी हमारे पास ई कॉमर्स के हवाले से कि हमने क्या कहा इनिशियल लेवल के ऊपर, जनाब हम ई कॉमर्स बोले या फिर इंटरनेट कॉमर्स बोले बात मोर और लेस सेम कंसिडर यूज ना हो जाइएगा। तो हम ई कॉमर्स एक बड़ा अच्छा सा नाम और इंटरनेट कॉमर्स भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब अगर हम ई कॉमर्स के हवाले से बात करते हैं तो डेफिनेशन के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं कि द नेम इटसेल्फ इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर्म की टर्म में आपके पास है
कि जी इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स से मुराद क्या है कि जितनी भी हमारी बाइंग से रिलेटेड, जितनी भी हमारी सेलिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं और जो भी हमारी ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज हैं, जो भी हमारी सर्विसेज हैं, जो भी हमारे ट्रांसफर्स ऑफ फंड हैं, जो भी हमारा एक्सचेंज ऑफ डेटा है। शायद मैंने बहुत सारी बातें बोल दी, मैं दोबारा से आपको वन बाय वन रिकॉल करवा देता हूँ ताकि आप इस चीज को बआसानी समझ सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो ई कॉमर्स क्या करती है? द ई कॉमर्स इन्वॉल्व्स द ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है जी, ये एक ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी जो कि किसी बायर और सेलर के दरमियान में होती है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान में होती है, सर्विस की डिलीवरी जो कि ऑनलाइन की जा सकती हो, फंड्स यानी जो पैसा है वो ऑनलाइन ट्रांसफर किया जा सकता हो, डेटा या जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज है वो ऑनलाइन किया जा सकता हो, गर्ज की हर वो एक्टिविटी जो कि हम एक प्रैक्टिकली एक फिजिकली कंडक्ट करते हैं अपने रोजमर्रा के हवाले से, उसको हम एक इंटरनेट के मॉडल के ऊपर, एक नेटवर्क बेस्ड कम्युनिटी के ऊपर और एक हम ट्रांजैक्शनल लेवल के ऊपर उसको इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म करना शुरू कर दें, तो आप आ गए उस साइबर या उस इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड के अंदर जिसको आप ई कॉमर्स का नाम दे रहे हैं, जिस दुनिया के अंदर, जिस ई वर्ल्ड के अंदर वो तमाम चीज़ें, वो तमाम की तमाम ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट की जाती हैं। ठीक है जनाब, आई होप ये मैंने ई कॉमर्स को थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, आपने उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ठीक है, मैंने आपकी आसानी के लिए एक और डेफिनेशन की तरफ हमने बात करी, तो ज़रा पहले उसको पढ़ते हैं फिर हम और जाते हैं। तो ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, नंबर वन, नंबर टू प्रोडक्ट्स, नंबर थ्री सर्विसेज। ठीक है जी, तो तीन चीज़ें हमने देखा कि हम किसी भी चीज़ की खरीद और फरोख्त के हवाले से हम बात करते हैं, तो ई कॉमर्स का मकसद क्या है? किसी भी चीज़ को खरीदना या किसी भी चीज़ को बेचना। यकीनन खरीदने और बेचने का जो अमल है ये बायर और सेलर के दरमियान में भी हो सकता है, सेलर्स और सेलर्स के दरमियान में भी हो सकता है, और हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान में भी हो सकता है। लेकिन ये जो बाइंग एंड सेलिंग की जो एक्टिविटी है, बाइंग और सेलिंग की जो एक्टिविटी है, दैट शुड बी इनिशिएटेड, दैट शुड बी परफॉर्म, दैट शुड बी अकम्प्लिश यूजिंग नेटवर्क एंड द इंटरनेट, द मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द ई कॉमर्स, द मेन इंपॉर्टेंट इंग्रीडियंट ऑफ द ई कॉमर्स, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द ई कॉमर्स के जनाब उसके पास वहाँ पे, जैसे कि अभी मैंने ऊपर आपको डेफिनेशन बताया कि इसको इंटरनेट कॉमर्स के नाम से भी कहा जा सकता है, पुकारा जा सकता है, तो इंटरनेट के ऊपर हम जब ये काम कर रहे होंगे तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है जी, जो भी अब सर्विसेज की हमने बात करी, जिसके अंदर हमने गुड्स का जिक्र किया, प्रोडक्ट्स का जिक्र किया और सर्विसेज का जिक्र किया। जी हाँ जनाब, गुड्स तो आप जानते हैं कि जब कोई भी चीज़ की बात करते हैं तो हम उसको गुड्स बोल सकते हैं। ठीक है जी, प्रोडक्ट्स के अंदर भी आप कोई कमोडिटी को कंसिडर कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जब हम बात कर रहे हैं सर्विस, हम सर्विसेज के हवाले से हम बात करते हैं, तो सर्विस डेफिनेटली मीन्स कि जनाब इस वक्त अगर मैं आपको एक लेक्चर दे रहा हूँ और आप मेरा एक ये वीडियो लेक्चर रिसीव कर रहे हैं या वीडियो लेक्चर मेरा लाइव आप सुन रहे हैं, तो इसका मकसद क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली अ सर्विस पार्ट व्हिच इज बीइंग इनिशिएटेड फ्रॉम माय पार्ट इन कोलैबोरेशन विद द इंस्टीट्यूट, राइट? एंड यू पीपल आर द वंस हु एक्चुअली वांट्स द सर्विसेज फ्रॉम मी, फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट, कि वो आपको लेक्चर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जा सके। हम एज अ फैकल्टी मेंबर, एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, वो हम आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें और उन सर्विसेज के जरिए हम अपने जो लेक्चर्स हैं जिस तरह से हम डिलीवर कर रहे थे, जिस तरह से हम फिजिकली क्लास में सर्विसेज दे रहे थे, अब हम अपने स्टूडेंट्स को उस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसके चेंज ऑफ मोड में हमने क्या चीज़ देखी कि इस वक्त हमारा और आपका जो कनेक्शन है, हमारा और आपके दरमियान में
जो ये डिलीवरी ऑफ लेक्चर है, यानी जो मैं सर्विसेज आपको डिलीवर कर रहा हूँ, इसके अंदर बात फिर वही आ गई कि सबसे अहम रोल क्या चीज प्ले कर रही है, ये इंटरनेट। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी आपके पास कि व्हाट डू वी मीन बाय सर्विसेज इन ई कॉमर्स। ठीक है जी, तो इंटरनेट एक लाजिम मंजूम सी चीज है, एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है, जो कि ई कॉमर्स के साथ साथ लगा हुआ है, अटैच्ड है। क्लियर, चलिए अब हम बात करते हैं। तो ये हमने कुछ गुड्स के हवाले से बात करी, प्रोडक्ट के हवाले से बात करी, सर्विसेज के हवाले से बात करी। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो ये जो हमने गुड्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के हवाले से बात करी और हमने इंटरनेट के जरिए इसको डिलीवर करने की बात करी, तो यकीनन जाहिर सी बात है जनाब, जब आप कोई चीज़ खरीदेंगे, कोई चीज़ जब आप बेचेंगे, जैसे कि स्क्रीन के पर इसके आपको वाजे तौर पर डेफिनेशन में नज़र आ रहा होगा, क्लियरली विजिबल होगा, तो भाई या स्टूडेंट्स, तो मेरे बच्चों, बात क्या है कि आपके पास किसी न किसी लेवल के ऊपर फंड्स, मनी, पैसा या डेटा एक्सचेंज हो रहा होगा ना, सही है? तो खाली बेच देना ही तो अमल नहीं, पेमेंट को रिसीव करना भी तो ई कॉमर्स का काम है, ठीक है, फंड्स को ट्रांसफर होना या ट्रांसफर करना भी तो ई कॉमर्स का ही हिस्सा है, डेटा या जो इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज है इसको भी तो ई कॉमर्स का पार्ट बनाया गया है। तो इसका मकसद क्या हो गया कि अब तक हमने देखा कि जी सेलिंग बाइंग ओवर इंटरनेट एंड द ट्रांसफर ऑफ फंड्स, मनी, डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज अगेन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ई कॉमर्स। ठीक है जी, तो ई कॉमर्स के अंदर हम पैसे, पैसे का लेन देन, फंड्स, फंड्स का लेन देन, डेटा एंड इंफॉर्मेशन, दो अलग अलग चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, डेटा एंड इंफॉर्मेशन उसका भी एक्सचेंज, क्योंकि ट्रांजैक्शन क्या है बच्चों, ट्रांजैक्शन इज दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी जिसके अंदर हमारे पास एक तरफ से कोई चीज दूसरी तरफ जाती है, यानी एक ए लोकेशन से कोई चीज दूसरी लोकेशन की तरफ गई और बी लोकेशन से दूसरी चीज ए की तरफ आई। यानी अगर हम आसान अल्फाज में कहें, आप लोग ज्यादा इस स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स के, बेहतर समझते हैं इन चीज़ों को, कि ट्रांजैक्शन का मकसद वही हुआ कि कोई चीज़ का डेबिट होना, कोई चीज़ का क्रेडिट होना, यानी इनफ्लो और आउटफ्लो, ये जो एक्टिविटी आने और जाने की है, ठीक है जी, इसको हम ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं, कि किसी की तरफ से एक रिक्वेस्ट का जाना। और अब मैं ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म की तरफ आ रहा हूँ विद रेफरेंस टू द ई कॉमर्स। ट्रांजैक्शन मीन्स कि हमारे पास किसी भी चीज़ का एक क्लाइंट एंड के ऊपर, एक यूजर एंड के ऊपर इनिशिएट होना और उसका रिस्पॉन्स आना दूसरी तरफ। तो वो एक तरफ से एक चीज इनिशिएट की गई, रिक्वेस्ट गई और दूसरी तरफ से उसका रिस्पॉन्स आया, दैट इज द ट्रांजैक्शन। तो आई होप ई कॉमर्स को हमने सिद्धार्थ में समझ लिया होगा। अब हम आते हैं जनाब अपने अगले डेफिनेशन के पार्ट की तरफ। तो या ई कॉमर्स को अगर हम देखें तो इस ई कॉमर्स के हवाले से हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को चार डिफरेंट एंडाइज में या फिर चार डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स के अंदर, प्लीज माइंड इट, आई एम सेइंग द बिजनेस मॉडल्स, ठीक है, या फिर मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज को। ठीक है, द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स इज अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन व्हिच इज हैपेंड ओवर द इंटरनेट। देखिए बार बार इस डेफिनेशन के अंदर मैं इंटरनेट वाले एलिमेंट को लेकर के आ रहा हूँ ताकि आपके जहनों में से बिल्कुल ये बात ना निकले कि जनाब ई कॉमर्स के लिए इंटरनेट का होना और इंटरनेट का पाया जाना और इंटरनेट के ऊपर ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज को कंडक्ट करना ही ई कॉमर्स है। देखें पैसों का लेन देन तो एक अमली जिंदगी के अंदर हो ही रहा है ना, हम पैसे एक दूसरे को देते भी हैं, लेते भी हैं, हम गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट एक दूसरे को डिलीवर भी करते हैं, ठीक है जी, तो लेकिन वो हमारे पास एक इंटरनेट बेस्ड या नेटवर्क बेस्ड एक्टिविटी नहीं है, वो एक फिजिकल एक्टिविटी है। यहाँ पे हमारे पास उस चीज़ को हम ऑनलाइन कर रहे हैं और ऑनलाइन के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हम इंटरनेट का और नेटवर्क्स का सहारा लें, ठीक है। डिस्टेंसेस के अब कोई मसला नहीं है, डिस्टेंसेस हैव पर्टिकुलरली लॉस्ट इट्स मीनिंग, जो हम कभी बचपन में पढ़ते आते थे, सुनते आते थे, तो बात वही है एक्चुअली कि अब कोई मसला नहीं है। ई कॉमर्स ने वो ज़िंदगी आपकी इतनी आसान कर दी है कि आप यूजिंग दी ई कॉमर्स एक जगह से बैठ करके कहीं भी किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप अपना एक बिजनेस पाकिस्तान में सेटअप करके अक्रॉस द ग्लोब
आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, आप ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं, जैसा कि आजकल हो रहा है, ठीक है जी। और मैंने अपनी एग्जाम्पल्स में भी अगर आप लिखा है, तो अगर आप देखें कि ऑनलाइन स्टोर्स लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ईबे, क्विकर, ओएलएक्स आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है जी। तो बात बड़ी वाज़े है कि इस वक्त आप चले शायद फ्लिपकार्ट का नाम ना सुनो, लेकिन अमेजोन और ईबे ये तो आज अलीबाबा हो गया, अमेजोन हो गया, ईबे हो गया, तो ये मैं कोई नए नाम नहीं ले रहा हूँ। अच्छा, हो सकता है कि आज से 4-5 महीने पहले अगर हम चले जाते हैं, 6 महीना पहले चले जाते हैं, तो कंसिडर करते हैं, अज्यूम करते हैं कि शायद चंद लोगों के लिए या कुछ लोगों के लिए या कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये वर्ड या ये जो नाम अमेजोन है या जो वर्ड या नाम ईबे है, शायद उनको उसके बारे में ना पता हो। लेकिन आज इस ई कॉमर्स ने अमेजोन, ईबे हर एक को सिखा दिया, हर एक को बता दिया। तो ये अमेजोन और ईबे हैं क्या? चलिए, वही तो बच्चों चीज़ें हैं कि जो कि हमारे पास एक ई कॉमर्स बेस्ड बिजनेस की वेबसाइट्स हैं, जहाँ पे लोग जाते हैं। लोग से मुराद क्या है? अगर आप वो चीज़ खरीदना चाहते हैं तो आप भी जा रहे हैं, उसको सर्च कर रहे हैं, उसको सर्व कर रहे हैं, उसको ब्राउज कर रहे हैं, वहाँ से ऑर्डर्स दे रहे हैं, ऑर्डर्स ले रहे हैं, और अगर आप कोई चीज़ बेचना चाहते हैं तो भी आप उस प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हो। तो मकसद हमारे पास क्या हुआ कि आज वो जो एक स्टोर, एक शॉप जो कि फिजिकली कहीं पाई जाती थी, उसको ई कॉमर्स के मॉडल में आना पड़ा। और फ्यूचर भी यही है अगर देखा जाए। मैं आज अगर देखे तो मैं मुख्तलिफ सर्कल्स के अंदर आज मैं इस बात को बड़ा आराम से और बड़ा आसानी से समझा पाता हूँ। जब मैं पहले बात किया करता था, अगर हम मान लेते हैं पिछले साल बात करते थे या किसी से आप डिस्कशन के अंदर आते थे, किसी फोरम पे बैठे हुए होते थे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे होते थे और उनको ये एक आइडिया प्रपोज करते थे, यार आप क्यों नहीं वेब बेस्ड हो जाते, तो यार ज़रूरत क्या है वेब बेस्ड होने की भाई, माशाल्लाह बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, माशाल्लाह काम बहुत अच्छा चल रहा है, क्या ज़रूरत है एक नई टेंशन पाल लेने की कि यार एक नई हम टेंशन लें, ई कॉमर्स या पूरा सेटअप करें और फिर जा करके एक नया बंदा डिप्यूट करें। सर मैंने क्या कहा? नया बंदा डिप्यूट करें बच्चों। हाँ जी, मकसद क्या हुआ कि इस सिचुएशन के अंदर जहाँ जॉब्स ले ऑफ हो रही हैं, अब उन लोगों की बात ये समझ में आ गई होगी कि जहाँ जॉब्स ले ऑफ हो रही हैं वहाँ ई कॉमर्स कह रहा है कि जनाब अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल। जी, वो मामला जो फिजिकली पहले हुआ करता था, जहाँ पे हर शख्स उसी दौड़ के अंदर लगा हुआ था, वो ऑर्गेनाइजेशन इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं जानती थी, नहीं समझती थी, वो ये कहती थी कि जनाब ई कॉमर्स कुछ नहीं है, ठीक है जी। आज वो चीज़ मानने पे, आज उस चीज़ को एक्सेप्ट करने पे वही लोग मुझसे कहते हैं कि इमरान साहब बात सही क्या करते थे आप, बात सही है कि हमें उस मॉडल की तरफ शिफ्ट हो जाए। देखिए बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा चेंज है, ठीक है, और एक हेल्दी चेंज की तरफ हमें शिफ्ट होना चाहिए, बिजनेस मॉडल्स को उस चेंज की तरफ लेके जाना चाहिए। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की कामयाबी की बात करते हैं, हमें चाइना के एक बिजनेस मॉडल की बात करते हैं, हम एक डेवलप्ड इकोनॉमीज के एक डेवलप्ड और एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल की जब बात करते हैं तो दे एक्सेप्ट द चेंज, ठीक है, वो उस चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं और टेक्नोलॉजी के साथ चलने की कोशिश करते हैं, बिजनेस को उसकी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। और जिन लोगों ने उस चीज़ को उसकी तरफ शिफ्ट किया, वो लोग, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो एक शॉपकीपर, जी बिल्कुल, एक छोटा सा शॉपकीपर, एक वो शख्स जो ग्रॉसरी बेचता था, वो एक वो शख्स जो शायद किसी दुकान को, किसी शॉप को ओन नहीं करता था, लेकिन उसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस वेब की शक्ल में मौजूद थी इंटरनेट की तरफ, इसने कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी थी, आज वो उस एक फैक्ट्री, एक मिल होने से ज्यादा, क्योंकि फैक्ट्रीज, मिल, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वो सब शट डाउन हैं राइट नाउ, शट डाउन थे, ठीक है जी। आई डोंट नो कि वो किस, हम कोई डेट सजेस्ट नहीं कर सकते, आज टू डेट अगर हम बात करें, इंशाल्लाह थिंग्स विल गो बेटर इन फ्यूचर, वी ऑल होप, हम सब दुआगो हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उस वापस उस सिचुएशन के अंदर आए जहां हम एक दूसरे से मिल सके, हम चीज़ों को उस अंदाज में कर सके। लेकिन ये चीज़ हम सब ने सीख ली, हम सब ने जान ली कि जनाब ई कॉमर्स का जो मॉडल है, दैट इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल, कि हमारी प्रेजेंस
इलेक्ट्रॉनिकली होने भी जरूरी है। ठीक है जी, चलिए हम बात करते हैं जनाब। तो इस हवाले से जनाब मैंने जैसे आपसे कहा कि कुछ अगर आप देखें तो स्क्रीन के ऊपर मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स आपसे शेयर कर दूं कि एज ऑफ नाउ ई कॉमर्स इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द ग्लोबल इकोनॉमी। तो बात समझ में आ गई बात, जो भी मैंने आपसे कहा कि जनाब ई कॉमर्स को हम देखते हैं तो जहां जॉब्स ले ऑफ हो रही हैं वहां ई कॉमर्स कह रहा है। मैं नहीं कह रहा, दुनिया कह रही है। आप बैठे हैं, गूगल करें, सर्च करें, आप फेसबुक को देखें, वहां पे आपको आज अपने हर उस नेटवर्क मीडियम के ऊपर ये बात नजर आ रही होगी कि जनाब हमें फलां बंदा चाहिए जो हमारे लिए एड्स डेवलप कर सके, ठीक है जी, हमारे चैनल को मोनेटाइज करा सके, ठीक है जी, हमारे हमको बैठ करके घर से कुछ सर्विसेज, ये घर से बैठ के कैसे करेगा, लेकिन इंटरनेट के जरिए करेगा ना। और इंटरनेट की जो इंडस्ट्री है ग्लोबली अगर आप देखें तो वो आपके पास 23% के हवा के स्पीड से हर साल ग्रो कर रही है, ठीक है जी। तो ये चंद महीने पुरानी फिगर मैंने आपको बताई है, और इस सिचुएशन के अंदर वो डेफिनेटली 23 से बढ़ के तकरीबन 30-40% का ग्रोथ रेट जो है वो एक्सपेक्ट किया होगा लोगों ने, ठीक है जी। और ये तकरीबन $27 ट्रिलियन की इंडस्ट्री जो है बन चुकी है। जी जी, मैंने कहा $27 ट्रिलियन की जो है एक इंडस्ट्री जो है वो ई कॉमर्स बन चुकी है। वर्ल्ड अगर आप देखें तो इसके साथ इंडस्ट्री का यूज किया जाने लगा है कि एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक ई इंडस्ट्री है, ठीक है जी, जहां पे एवरीबॉडी कैन कम फॉरवर्ड, एवरीबॉडी हैज एन ऑप्शन टू परफॉर्म दी ट्रांजैक्शन। अब मैं वर्ड ट्रांजैक्शन यूज कर रहा हूँ, ट्रांजैक्शन को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आपको, परफॉर्म दी ट्रांजैक्शन, ठीक है जी। तो ये ग्रोथ, ये जो पेस है ये रुकी नहीं है, ये पेस जो है ये अब इसमें इजाफा ही होगा। वाई? बिकॉज द कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, जी हाँ, मैं पाकिस्तान का नाम जरूर मेंशन करना चाहूंगा, या फिर द अदर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, जिन्होंने इसकी इंपॉर्टेंस को उस अंदाज में रियलाइज शायद नहीं किया था, यही इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट की वजह से ना किया हो, या फैसिलिटीज के हवाले से ना किया हो, या लोग उसको एक्सेप्ट करने पर नहीं तैयार होते थे। आज वो लोग भी कहते हैं कि ई कॉमर्स का जो मॉडल है दैट इज दी बेस्ट मॉडल, हमारी अवेलेबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक भी होनी चाहिए और हमारी अवेलेबिलिटी, ठीक है, आपका एक कन्वेंशन मॉडल है, शॉप है, बिजनेस है, ये जो भी चीज़ें हैं उसकी प्रेजेंस भी होनी चाहिए। हम उसकी इंपॉर्टेंस को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे, ना कह रहे कि दुकानें बंद करें और आप वेबसाइट की तरफ आ जाइए, ठीक है जी। तो खाली मेरा सिर्फ बात यह है कि खाली दुकान खोल लेना जरूरी नहीं है, बल्कि आपके पास अब एक वेब पेज खोल लेना भी जरूरी है, एक वेब की प्रेजेंस होना भी जरूरी है। आप एक ही जगह बैठ करके, ये कुछ ऐसा हुआ कि आपके पास एक शॉप तो थी, अब आपने एक शॉप और खोल ली, अच्छा जी, वो फिजिकल शॉप खोलने के लिए आपको अच्छी खासी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड थी। यहाँ तो आप जितनी शॉप्स चाहें, हर चीज़ के लिए जितनी शॉप्स चाहें, आप एक दिन में 10 शॉप्स खोल लीजिए, एक दिन में 5 शॉप्स खोल लीजिए, ई कॉमर्स आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ई कॉमर्स आपको फैसिलिटेट करता है। क्या हम, आप ये सोच सकते हैं कि यार 15 दुकानें खोल लें, भाई पैसा कहाँ से लाएंगे इतना सारा, लेकिन ई कॉमर्स आपको ये सहूलत देता है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि मिनिमम आप एक से ज़्यादा अपनी एग्जिस्टेंस, एक से ज़्यादा अपनी अपीयरेंस इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन शो कर सकते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और आप ये जो मार्केट इस वक्त $27 ट्रिलियन की है, जो कि बढ़ेगी, ठीक है जी, रीच तो कर चुकी है, 2020 स्टार्ट हो चुका है, ठीक है जी, अब आधे से ज़्यादा गुजर चुका है, तो यकीनन इसके अंदर इजाफा होना है। और ये 23% के हवाले से ग्रोथ की बात की गई थी, ठीक है, तो यहाँ पे इस अमर के अंदर, इस ई कॉमर्स के दुनिया के अंदर आप इस $27 ट्रिलियन में से अपने डॉलर्स, अपना शेयर भी निकाल सकते हैं, समझ में आ गई बात, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि इंटरनेट के ऊपर या ई कॉमर्स के ऊपर हम कैसे ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो हमने ऊपर बात करी। इट इज़ वेरी सिंपल कि व्हेन यू लॉग इन टू दी अमेजोन और आप एक कोई किताब खरीदना चाहते हैं, ये मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बात की है ताकि तमाम स्टूडेंट आसानी इस बात को समझ सकें। जनाब आपने फर्ज क्या सोचा कि आपको ई कॉमर्स समझ में आ गई है, मैं एक वेबसाइट पे जाता हूँ या जाती हूँ, सो व्हेन यू लॉग इन टू
your Amazon and purchase want to purchase a book. This is a classic example of an e-commerce transaction. I hope ये बात ये statement समझ में आ गया होगा. आप क्या करते हैं जनाब, Amazon जो कि internet के ऊपर एक as a seller मौजूद है, ठीक है, आप as a purchaser, as a buyer उसके साथ interact करते हैं, exchange of data होता है in forms of pictures, text, addresses for deliveries, ठीक है जी, चीज़ों को आप Amazon पे जाके ब्राउज करते हैं, डेटा को, पिक्चर्स को, टेक्स्ट को, जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको रिगरसली स्टडी करते हैं. आप अपना एड्रेस, अगर आप जब चीज़ को पसंद कर लेते हैं, आप उसको अपनी शॉपिंग कार्ड के अंदर ऐड कर लेते हैं जी. कार्ड, मैं कार्ड नहीं कह रहा, मैं कार्ड कार्ड नहीं, वो ट्रॉली उसकी बात की जा रही है, उस कार्ड के अंदर आप प्लेस कर देते हैं, ठीक है जी, वो कार्ड के अंदर आपके पास चली गई जो जो चीज़ें पसंद आती जाती हैं. जस्ट लाइक सेम कि आप एक सुपरमार्केट, एक मॉल में घूम रहे हैं और आपके पास एक कार्ट, एक ट्रॉली अवेलेबल है, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है वो शेल्फ से उठाते हैं, उस कार्ट में रखते हैं, शेल्फ से उठाते हैं, उस कार्ट के अंदर प्लेस कर देते हैं. सेम थिंग, क्या चेंज है, इस फिजिकल मॉडल को इलेक्ट्रॉनिक मॉडल की तरफ ले गया, एक्टिविटी तो वही है, फर्क क्या है कि ना घर से निकलना पड़ रहा है, ना हमें फ्यूल ज़ाया करना पड़ रहा है, ना यहाँ से यानी अपने घर से निकल के शॉपिंग मॉल तक जाने का टाइम किल हो रहा है हमारा. जस्ट अ सिंगल क्लिक कैन परफॉर्म द एक्टिविटी सक्सेसफुली. लेकिन इंटरनेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. चलिए, वो आपने चीज़ उठाई, सेलेक्ट की, कार्ट में प्लेस की और जनाब पेमेंट की, एड्रेस प्रोवाइड किया, क्या काम, मकसद क्या हुआ कि इट इज़ एज सिंपल एज इट सीम्स टू बी. जितना ई कॉमर्स बोलना आसान है, जितना ई कॉमर्स दिखता आसान है, उसी तरह से ये बिकता भी आसानी से. समझ में आ गई बात, कि बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है. चलिए अब हम आते हैं जनाब अपने ई कॉमर्स के हवाले से, कुछ टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स या बिजनेस ऑफ ई कॉमर्स के हवाले से, मॉडल ऑफ ई कॉमर्स की बात करते हैं. तो ई कॉमर्स को हम बेसिकली फोर या चार मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. कौन कौन सी चार मेन कैटेगरीज हैं, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस यानी बी टू बी, ठीक है जी, बी टू सी, बी टू सी, सी टू सी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू बिजनेस, और बाकी जो एक दो और हैं, जी टू एस, हम क्लास के अंदर भी डिस्कस कर चुके थे, मैं डेफिनेशन के अंदर भी प्रोवाइड कर दूंगा कि ऑन अ ब्रॉडर कैनवस ये चार मेन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं. और अपकमिंग लेक्चर के अंदर मैं वो आपको गवर्नमेंट सर्विस भी वो क्लियर कर दूंगा, नो इश्यूज विद दैट, ठीक है जी. तो ये चार मेन आपके पास कैटेगरीज हैं ब्रॉडर विजन के अंदर, ब्रॉडर कैनवस के ऊपर, जो कि ई कॉमर्स का पार्ट या हिस्सा रहती है, ठीक है. तो पहले हमारे पास क्या है जनाब, बिजनेस टू बिजनेस या फिर बी टू बी, ठीक है जी. बिजनेस टू बिजनेस से मुराद क्या है, बिजनेस बी टू बी से मुराद क्या है, बिजनेस टू बिजनेस से मुराद हमारे पास क्या है, कि हम इसको सबसे पहले तो याद रखिएगा, बिजनेस टू बिजनेस का मतलब क्या है, बी टू बी, बी एंड न्यूमेरिक टू एन बी, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है. इस बी टू बी मॉडल के अंदर होता क्या है कि कंपनीज आर डूइंग बिजनेस विद ईच अदर. एक कंपनी ये है जो कंपनी बी के साथ बिजनेस करना चाहती है, तो दोनों कंपनी जो एक ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, यानी कंपनी ए और कंपनी बी जो आपस में बिजनेस करती हैं, कंपनी ए जो है वो एक ऑर्डर प्लेस करती है कंपनी बी को और ऑर्गेनाइजेशन बी उस ऑर्डर को फुलफिल करती है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ए. नो कंज्यूमर, नो फाइनल कंज्यूमर इज इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी, यानी जो ट्रांजैक्शनल या बिजनेस एक्टिविटीज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान में कंडक्ट की जा रही हैं और ये ऑनलाइन है, ठीक है जी. कंपनी के लोग उठ के नहीं जा रहे या वहाँ से लोग ऑर्डर लेने के लिए नहीं आ रहे. मैंने भी कहा कि वो वेब बेस्ड एक्टिविटी है, इंटरनेट बेस्ड एक्टिविटी है, एक परफॉर्मर मौजूद है, ऑनलाइन के ऊपर वेबसाइट अवेलेबल है, ऑर्डर फॉर्म्स वहाँ पे मौजूद हैं, वो अपनी रिक्वायरमेंट उस फॉर्म में फिल करते हैं, सेंड का बटन दबाते हैं, दूसरी तरफ भेजते हैं, वहाँ से एक एक्नॉलेजमेंट आती है, सेंडिंग भी हो गई, रिसीविंग भी हो गई, ट्रांजैक्शन कंप्लीट, जस्ट अ सिंगल क्लिक. तो क्या बात समझ में आई कि बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फाइनल कंज्यूमर जो है वो ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही होगी. ये था आपके पास बिजनेस टू बिजनेस. चलिए हम अगले मॉडल की तरफ आते हैं, विच इज
बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। जब हम बिजनेस टू कंज्यूमर की बात करते हैं या बी टू सी की बात करते हैं तो बिजनेस टू कंज्यूमर बड़ा सिंपल सी बात है जनाब, हमारे पास एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो कि कंज्यूमर के लिए सेटअप किया गया हो, यहाँ पे बिजनेस है और दूसरे एंड के पर कंज्यूमर, यानी कंज्यूम करने वाला शब्द इस चीज को इस्तेमाल करने वाला, कस्टमर बात नहीं करते, मैंने क्लास में भी आपको बताया था वी यूज द टर्म कंज्यूमर इन ई कॉमर्स, ठीक है जी। तो बिजनेस टू कंज्यूमर यहाँ पे क्या होगा, हियर द कंपनी विल सेल देयर गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। वहां पे पहले वाले मॉडल के अंदर बिजनेस और बिजनेस दो बिजनेस एंटिटीज आपस में ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व थी एंड नो रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर, लेकिन यहाँ पे अब बिजनेस सेटअप किया गया है एक कंज्यूमर के लिए, यहाँ पे बिजनेस सर्विसेज दे रहा है, बिजनेस मौजूद है इसके लिए ताकि लोग आए, कंज्यूमर आए, वहां से चीजें गुड्स प्रोडक्ट सर्विसेज व्हाटएवर दे नीड आए और परचेज करें, लेकिन वेब पेज द कंज्यूमर कैन ब्राउज देयर वेबसाइट्स एंड लुक एट द प्रोडक्ट पिक्चर्स रीड रिव्यूज, ये बड़ी अच्छी बात है यहाँ, ठीक है जी। कि कस्टमर या कंज्यूमर वो लॉग इन करेगा, ब्राउज करेगा, उनकी वेबसाइट्स के ऊपर जाएगा, एप्स का इस्तेमाल करेगा, वहाँ पे प्रोडक्ट्स को जो उसको चाहिए उसको सर्व करेगा, उसको सर्च करेगा, पिक्चर्स देखेगा उसके बारे में। आज का कंज्यूमर बड़ा एजुकेटेड सा कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर नहीं है, लोग इस टेक्नोलॉजी ने हर एक को बहुत हद तक इन्फॉर्म्ड कर दिया है, बहुत हद तक एजुकेट कर दिया है। अब लोग किसी भी चीज़ का रिव्यू लिए बगैर अपनी फाइनल प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते, ठीक है जी। पहले वो 10 लोगों के रिव्यूज देखते हैं और फिर उसके बाद जो है उसको परचेज करने की बात करते हैं, ठीक है, फिर वो ऑर्डर को प्लेस करते हैं, ठीक है जी। तो बिजनेस टू कंज्यूमर के अंदर क्या हुआ जनाब, कंपनी है वो लोगों के लिए मौजूद है, कंज्यूमर है जो चीज़ें खरीदना चाहता है, इंटरनेट है क्योंकि दोनों के दरमियान में एक लिंक एक लाभ रबते का जरिया बना हुआ है, कंज्यूमर जाएगा चीज़ों को देखेगा, वेबसाइट का सहारा लेगा, रिव्यूज को स्टडी करेगा और अपने ऑर्डर को प्लेस करेगा, ठीक है जी। और इसकी सबसे पॉपुलर एग्जांपल जो मैं आपके पास फिर दोबारा से बता रहा हूँ कि अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, नाम आपके सामने मौजूद है, दोबारा बोल रहा हूँ अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, नोट्स के अंदर जो आपके पास सिलेक्शन जो मैंने दिया है ये आपको डिलीवर हो जाएगा। अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट आप जाइए, नाम अगर नया है कोई बात नहीं, आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन को आप अपने सर्च इंजन के अंदर लिखिए, वहाँ पे आपकी साइट खुल के जो है वो सामने आ जाएगी। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर का मकसद क्या है कि जब हम एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर से कोई ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं, दूसरे कंज्यूमर से कोई ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहता है कि अब यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं है, कोई बिजनेस दुकान नहीं है, बल्कि एक कंज्यूमर है जो दूसरे कंज्यूमर से बात कर रहा है, एक कंज्यूमर है जो चीज़ उसने कंज्यूम की थी, जो चीज़ उसने इस्तेमाल करी थी, वो किसी और को चीज़ बेचना चाहता है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर, या इसको सी टू सी भी कहा जाता है, ठीक है जी। कंज्यूमर टू कंज्यूमर मीन्स वेयर द कंज्यूमर्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, नो कंपनी इज इन्वॉल्व। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है जनाब कि यहाँ पे नो कंपनी इज इन्वॉल्व जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये नो कंपनी इज इन्वॉल्व का मकसद है कि यहाँ पे कोई भी कंपनी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है जी। और यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आसानी से परफॉर्म की जा रही हैं, जैसे कि ओलेक्स, आप वहाँ पर आसानी अपनी चीज़ को डिलीवर कर सकते हैं, ओलेक्स के जरिए आप अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं, ठीक है जी। कंज्यूमर टू बिजनेस का मकसद क्या हुआ कि अब आप यहाँ पे एज अ फ्रीलांसिंग जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप सर्विसेज फ्रीलांसिंग के तौर पर किसी कंपनी को बेच सकते हैं, ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर आज का कम्प्लीट हुआ, दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको समझ में आएगा, चीज़ें आप तक मिल गई होंगी। सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।